मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। यस, सो आज हम लोग निकल गए हैं। आज है शॉपिंग डे, आज है मीटिंग डे, बहुत सारी चीजें। कल भी हमने काफी सारी शॉपिंग की, साथ में यहाँ मैडम भी हैं आरती। सो ये जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अब तो ये आपको बहुत फ्रीक्वेंटली देखने मिलेगी। सो चलिए अभी सबसे पहले चलते हैं लोखंडवाला, वहां से पिकअप करते हैं मेरा नेक पीस और फिर आगे चलते हैं। यस, सो क्विक स्टॉप आए हैं हम भगवान कलेक्शन पे। हम कल यहाँ ऑलमोस्ट पूरा दिन थे और कल हमने ऐसी शॉपिंग की, कल मैंने शूट नहीं किया तो उसमें से दो तीन कपड़े ना डाई करने देने थे, लेकिन कल कपड़ों की शॉपिंग कर करके सोचने की क्षमता खत्म हो गई थी कि कौन से कलर में डाई करवाया जाए। इसीलिए जो है आज मैं आई तुरंत 5 मिनट रुकने के लिए, लेकिन यहाँ पे कभी भी 5 मिनट रुकना 5 मिनट होता नहीं है, क्योंकि आज भी कुछ अच्छा लग गया तो छोटे छोटे कट पीसेस उससे भी उठा लिए। लेकिन अभी स्टॉक बहुत अच्छा है और ऐसा मुझे अप्पा जी ने अभी जस्ट बताया कि कुछ हफ्ते भर में और फ्रेश स्टॉक आने वाला है। सो अगर आप लोगों को आना है तो आप लोग आ सकते हैं, मैं तो ज़रूर आऊँगी। और बिलिंग काउंटर के जस्ट नेक्स्ट पे ना ये बहुत ही सुंदर सा सूट जो है डिस्प्ले पे डाला हुआ था, तो मैंने इसका शॉट ले लिया। यस, सो आ गई हूँ मैं घर। कुछ दिनों से बहुत भाग दौड़ चल रही है और मैं तो वैसे भी आपको पता ही है कि हमेशा आप लोगों को भी बोलती रहती हूँ कि अपनी पैम्परिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्किन का हेयर का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मुझे हाल ही में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट फॉर हेयर मिला है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि है ये है लॉरियल पेरिस का न्यूली लॉन्च्ड हाइलुरॉन किट। इसमें आता है 72 आवर मॉइस्चर फिलिंग शैम्पू, 72 आवर मॉइस्चर फिलिंग कंडीशनर एंड उसके साथ आती है ये है हाइड्रा फिलिंग नाइट क्रीम। नाउ बाय हाइलुरॉन किट आई मीन दिस हैज हाइलुरॉनिक एसिड। आपने बिल्कुल करेक्ट सुना, हम लोग ना अब तक ये पूरी तरह से जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि हमारी स्किन के लिए हाइलुरोनिक एसिड कितनी ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वो बहुत अच्छे लेवल पे आपकी स्किन में जो है मॉइस्चर प्रोवाइड करती है। तो यही हाइलुरोनिक एसिड आपके बालों के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। सो लॉरियल पेरिस बहुत समय से जो है हाइलुरोनिक एसिड के प्रोडक्ट्स फॉर हेयर लाने की कोशिश कर रहे थे एंड यस दे क्रैक्ड द परफेक्ट किट विच इज दिस, और आज मैं यूज करूंगी ये। सो एक्चुअली हाइलुरोनिक एसिड जो है उसमें एबिलिटी है वॉटर अट्रैक्ट करने की। इसका मतलब है कि उसके आसपास की जो सराउंडिंग्स होती है ना उसमें से वो वॉटर कैप्चर कर लेता है एंड इसीलिए इट इंक्रीजेज द एबिलिटी टू प्रोवाइड मॉइस्चर टू योर स्किन एंड नाउ विद दिस प्रोडक्ट टू योर हेयर इज वेल। एंड हमारे बालों की जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं एंड यू नो वो स्टिकी से स्ट्रैंड हो जाते हैं, ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारे बाल डिहाइड्रेट हो जाते हैं। सो अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि हाइलुरोनिक एसिड इज द मास्टर ऑफ प्रोवाइडिंग मॉइस्चर। सो ये देखिए, ये है इस शैम्पू का टेक्सचर। सो ये 72 आवर मॉइस्चर फिलिंग शैम्पू है, ये आपके बालों को रीप्लम्प कर देता है विद द लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चर एंड आपके बालों को ना एकदम सॉफ्ट और बाउंसी और एकदम लाइट बना देता है। एंड दिस इज द नाइस एंड क्रीमी कंडीशनर। सो ये आपके बालों को डिटैंगल करने में हेल्प करता है और आपके बालों में मॉइस्चर एकदम लॉक कर देता है, इन टर्न आपके बाल सॉफ्ट शाइनी और बहुत ही अमेजिंग से हो जाते हैं। एंड अब इस किट की ये हाइड्रा फिलिंग नाइट क्रीम, इसे आप रोज लगा सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ यू वॉश्ड योर हेयर और यू नॉट वॉश्ड योर हेयर। अगर आपने अपना हेयर वॉश किया है और आप इन तीनों चीजों को एक साथ यूज कर रहे हैं, सो यू हैव टू शैम्पू, देन यू हैव टू कंडीशनर और फिर रात में आपको ये क्रीम लगानी है, इससे क्या होगा, आपके बालों का जो मॉइस्चर है वो 3 दिनों तक यानी 72 आवर्स तक विल बी टेकन केयर ऑफ बाय दीज प्रोडक्ट्स। तो आपको रोजाना ना इस चीज का स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि है आपके बालों को आपको मॉइस्चर प्रोवाइड करना है। सो ये है हमारी हाइड्रा फिलिंग नाइट क्रीम। सो ये ना हमारे बालों में 4 गुना ज्यादा मॉइस्चर दे देती है, इसे हमें बस अपने बालों पे अच्छी तरह से लगा लेना है, एंड्स पे ज्यादा अच्छी तरह से लगाइएगा एंड एज अ नाइट क्रीम यू हैव टू जस्ट लीव इट एंड गो टू स्लीप। आपको अगले दिन अपने बाल वॉश करने की कोई भी जरूरत बिल्कुल नहीं है।
सो दैट्स इट, मैंने बालों में ये नाइट क्रीम लगा ली है, अब मैं आराम से सो जाऊंगी. सो ये क्रीम क्या करती है ना, ये आपके बालों को मॉइस्चर तो प्रोवाइड करती ही है, उसके साथ साथ ये आपके क्यूटिकल्स को सील कर देती है एंड आपके जो बाल हैं बिल्कुल भी हैवी नहीं होते, एकदम लाइट रहते हैं एंड बहुत ही अच्छे से नरिश भी हो जाते हैं. सो चलिए अब मैं चली सोने, क्योंकि मेरा तो ये नाइट रिजीम हो गया है और अब मैं रोजाना इसे यूज करूंगी. आपको भी जरूर ट्राई करना चाहिए, इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी एंड वर्थ एडिंग इन योर नाइट केयर रिजीम. और परचेज करने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. सो कल मिलते हैं. हाँ जी, तो हो गई है अगले दिन की सुबह और कल रात मैं बहुत थक गई थी तो मैं सो गई. हालांकि कल बहुत मजा आया क्योंकि शोएब भी पैकअप करके आ गए थे, फिर वहां पे हमने सबने डिनर पे बहुत ज़्यादा मस्ती की, तो बहुत अच्छा लगा. इट वॉज गुड क्वालिटी टाइम. जो आपके हेक्टिक शेड्यूल में ना वो क्वालिटी टाइम बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप समय समय पर वक्त निकालें. इट कैन बी लाइक जस्ट अ क्विक डिनर जो हमने कल किया. सो या सो आज काफ़ी फ्रेश फील कर रही हूँ और अभी दीदी जो है वो मेरे लिए सब्जी और रोटी बना रही हैं, तो मुझे बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है. मैं अपनी चाय पी चुकी हूँ, अभी एक और रिपीट करूँगी जब मैं सब्जी रोटी खाऊंगी तब. खैर, तब तक मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने अपने लिए जो हैवी वाले अच्छे वाले सूट्स नहीं होते, अब मतलब शादी का घर होगा तो बीच में भी पहनने के लिए अच्छे अच्छे सूट्स होने चाहिए ना, एकदम थोड़े हैवी से, थोड़े डिफरेंट से, थोड़े क्लासी से. तो इसीलिए मैंने इस बार अपने लिए कुछ बहुत डिफरेंट लिया है और मैं बहुत डिफरेंट कुछ ट्राई करने वाली हूँ, जो मुझे नहीं लगता कि एटलीस्ट इसमें से दो तो फॉर श्योर ये जो पैटर्न है ये मैंने आज तक नहीं पहने. तो इसलिए मैं आज इनकी जो मैं हमेशा ड्राइंग करती हूँ वो ड्राइंग करके मैं जमील भाई को भेजने वाली हूँ, शायद एक आधा शफीक भाई को भी भेजूँ. तो अभी मैंने दो लोग, मैंने आपको बताया था मैंने ढूंढ लिया, क्योंकि पूरा बर्डन एक ही पे आता है तो बेचारे उन पे भी हैवी पड़ जाता है और अब शादी है घर में तो बहुत सारा काम होने वाला है. तो इसलिए मैंने दो लोगों को लॉक करके रखा है कि आप दोनों के पास काम आएगा. सो मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसका क्या बनाने का सोच रही हूँ. ओके, सो ये है मेरे चार आउटफिट्स जो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ. देखो, शादी के लिए क्या लिया है, रस्मों के लिए क्या लिया है, वो मैं आपको अभी नहीं दिखा सकती, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी. नहीं तो मजा नहीं आएगा ना, वो तो आप डायरेक्टली रस्मों में हम लोगों ने क्या क्या पहना है तब देखोगे, तो उसकी फ्रेशनेस भी रहेगी और मजा भी आएगा. सो नॉर्मल पहनने के लिए मैंने अपने लिए ये चार लिए हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ. सबसे पहले आप देखिए ये, वॉट अ प्रिटी कलर. मतलब मुझे जब ये कलर ही दिखाना तो मुझे बहुत ही ज्यादा मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे लेना चाहिए. मैं रिसेंटली ना, जब ऑब्वियसली अभी इतने सारे कपड़े सबके बन रहे हैं तो ऑफ लेट काफी सारे फ्री टाइम में मैं फोटोज देखती रहती हूँ, तो रिसेंटली आई हैड कम अक्रॉस अ पिक्चर जो ऐसे ही फुल लॉन्ग सूट था, मरून कलर का था वो, लेस वर्क का पूरा एंड बेल स्लीव्स एंड फुल लेंथ का कुर्ता, तो मुझे वो बहुत ही प्रिटी लगा था. इसलिए जैसे ही मुझे ये वहाँ शेल्फ में रखा हुआ दिखा ना, मुझे वही सूट क्लिक हुआ, तो मैंने सोचा ये डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. एंड नॉर्मली मैं जब भी इस तरह के कपड़े मैंने आज तक या तो रिजा या सारा के वो वन पीस गाउन्स के लिए लिया है, इसका मैंने आज तक कभी अपने लिए सूट ट्राई नहीं किया है, तो मैंने सोचा कि ये इस बार जरूर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, आई थिंक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा. सो दिस इज द फर्स्ट वन. ये मैंने लिया है 3 meters क्योंकि मैं इसका टॉप बनाने वाली हूँ और जो हमारे स्लीव्स हैं वो भी बेल बनेंगे. नॉर्मली 2.5 में काम हो जाता है, लेकिन जब मैं इस तरीके का कोई यू नो स्पेशल फैब्रिक लेती हूँ तो मैं 0.5 meter एक्स्ट्रा रख लेती हूँ. वेस्ट नहीं होता, आप दुपट्टे पे बॉर्डर लगा लेते हो, लेकिन अगर कुर्ते का कोई पैटर्न आपको डिजाइन करते करते अलग लगे और फिर कपड़ा कम पड़े तो वो प्रॉब्लम हो जाती है. और ये मैंने इसके साथ जो है लाइनिंग का कपड़ा लिया है, ये आप शेड देख लीजिए, ये देखिए. सो ये शेड हमारा बन के आएगा और इसी कपड़े की पैंट बनेगी और यही कपड़ा नीचे एज अ लाइनिंग भी लगेगा. सो चलिए अब हम बनाते हैं कि हम इसका डिजाइन कैसे रखेंगे. सो ये ना डीप वी बनता है एक क्रॉस कॉलर के साथ, जो मैंने सॉरी फॉर द ड्राइंग, बहुत ही बुरी ड्राइंग करती हूँ मैं, लेकिन देखिए मेरी ड्राइंग मैं शफीक भाई को भी समझा देती हूँ और जमील भाई को भी समझा देती हूँ तो मेरा काम हो जाता है. एंड ये जो नेक है ये मैंने अपने पुराने वाले ग्रीन एक सूट में पहना था, जिसमें मैं वो खीर वाले ब्लॉग में जो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, जो कॉटन का फैब्रिक था. सो इट्स बेसिकली वो यहाँ से पूरा ऐसे ओवरलैप होता है नेक. सो इसमें मैं वो डीप रखूँगी और उसके सेंटर में हम, क्योंकि ये बहुत ही प्रिटी सी एजिंग है, तो ये हम ऐसे डालेंगे और इसके इधर से वो एक बहुत ही
बड़ा सा ऐसे कॉलर टाइप आएगा तो वो बन के बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा. सो वो हम रखेंगे नेक. सो यहाँ पे हमारा आ गया नेट. ओके, और ये हो गए हमारे शोल्डर्स, और ये हम बनाएंगे फुल लेंथ का कुर्ता स्ट्रेट कट, और इस पे होगा हमारा बेल स्लीव्स. इसके साथ हम नीचे रखेंगे पेंसिल फिट पैंट्स. वो एक ऐसे नहीं छोटा सा स्लिट होता है साइड में पेंसिल फिट पैंट में, लास्ट में इतने में वैसा रखेंगे. एंड इसका जो मैं दुपट्टा लूंगी ना, वो दुपट्टा मैं सेम कलर का शिफॉन का डाई करवाऊंगी, एंड उसकी एजिंग पे ऐसा मैं एम्ब्रॉयडरी करवा लूंगी. तो जमील भाई को बोलूंगी कि उसके स्कैलप्स के शेप में कटिंग करें और उसे इस तरीके की एजिंग दे दे, तो वो मैच भी हो जाएगा और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी लगेगा. अगर आप में से कोई ऐसा कुछ बना रहे हैं, अगर आपको हैवी करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो दुपट्टे का मटेरियल डाई करने दे रहे हैं वो आप ऐसा मतलब यू नो या तो सीक्वल वर्क के साथ ले लो, लेकिन हाँ अगर गोल्डन सीक्वल वर्क होगा तो सीक्वल डाई नहीं होगा. एंड इसमें अगर आपने लेस वगैरह लगा दी तो ना इसका इस फैब्रिक का ग्रेस चला जाएगा, तो इसलिए इसे आप जितना सेल्फ में रख सकते हैं उतना ज्यादा ये खूबसूरत लगेगा. सो मैं एक रफली दुपट्टे का भी कर लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे. चलिए दिस आउटफिट इज लॉक्ड. एंड अब ये इतना सूदिंग एकदम फ्रेश एलिगेंट सा कपड़ा है, तो ये बेसिकली ये मैंने लिया है सिर्फ 2 मीटर. क्यों मैं आपको बताती हूँ. और ये है इसके साथ का प्लेन कपड़ा जो मैं यूज करूंगी. तो ये सिर्फ 2 मीटर है, क्यों मैं आपको बताती हूँ. ये मैं ड्रॉइंग करने के साथ साथ में बताती हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या करना चाह रही हूँ. तो इसका जो है हम बनाएंगे एक छोटा राउंड, मतलब नॉट वेरी डीप, स्मॉल राउंड. इसमें आएंगे पोटली बटन्स लंबे, ये हो गया हमारा शोल्डर, और ये जो कुर्ता है ये नी लेंथ तक का बनेगा. अब हम चाहें तो इसे बॉक्स भी रख सकते हैं, हम चाहें इसे राउंड कट भी दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा. बट आई विल कीप इट बॉक्स दिस टाइम, क्योंकि आई माइट गिव वन लाइनिंग ऑफ पतला गोटा, जस्ट वन लाइन, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा गोटा ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा. और जो स्लीव्स है ना वो हम रखेंगे 3/4, लेकिन वो हल्की सी बॉक्स टाइप की स्लीव्स होंगी. सो दे विल नॉट बी, दे विल बी अ लिटिल फ्लेड. सो बेसिकली उसका लुक ऐसा होगा जैसे ये स्लीव लूज है, तो आप सोचो इससे भी करीब इतना लूज, मेरी 3 फिंगर्स का लूज. तो क्या वो जो लुक आएगा ना वो बहुत ही झल्ला झल्ला सा लुक आएगा, तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा. सो अब हमारी ये 3/4 स्लीव्स हैं. 3/4 स्लीव्स में एल्बो से थोड़ा नीचे हम एक जॉइंट डालेंगे, और यहाँ पे हम डालेंगे लेस. अब ये लेस वो नेटेड टाइप की होगी, जो एक एज की नहीं होगी, ये डबल एज होती है. ये आप स्टिच कर दो ना तो वो बीच में ऐसे एक कटवर्क टाइप का लुक देती है. तो ये लेस आपने यहाँ लगा दी, और यहाँ हमारा कपड़ा होगा एम्ब्रॉयडर्ड वाला. सो इसका मतलब है कि ये यहाँ से यहाँ तक आपका स्लीव हो गया प्लेन, यहाँ आपने कटवर्क की लेस डाल दी एज अ जॉइंट, और फिर आ गया आपका ये कपड़ा. सो दोनों स्लीव्स आपकी वैसी ही बनेंगी, थोड़ी बॉक्स फील की 3/4 स्लीव्स, और यहाँ पे आपका एम्ब्रॉयडरी. एंड अब बात करते हैं बॉटम की. सो नीचे हम बनाएंगे प्लाजो, एग्जैक्टली सेम, नॉट फ्लेयर, मतलब ऐसा फ्लेयर नहीं देंगे, बॉक्स फ्लेयर. इट शुड बी अ लिटिल बिट ऑफ अ पजामा फील. और यहाँ पे हम डालेंगे वो लेस, और यहाँ पे हम देंगे पतला गोटा, जस्ट वन लाइन, और ये हमारा होगा एम्ब्रॉयडरी वाला क्लॉथ.
सो दैट इज द डिजाइन फॉर दिस. और जो बटन्स मैं रखूंगी वो मैं व्हाइट रखूंगी, या अगर मैं गोटा सिल्वर डाल रही हूँ तो हो सकता है मैं मैट सिल्वर डालू, दैट आई विल डिसाइड लेटर ऑन. और इसके साथ जो दुपट्टा हम लेंगे ना वो होगा इसमें, यू नो, इनमें से कोई भी दो शेड उठा के उन दो शेड्स का मिक्स मैच बनारसी दुपट्टा या कोई सिल्क का दुपट्टा या फ्लोरल, शायद इतना ना अच्छा लगे क्योंकि वो फिर बहुत लाउड हो जाएगा, तो ये भी फ्लोरल वो भी फ्लोरल, बट आई थिंक बनारसी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा. और एक्चुअली ऐसी भी मैंने एक पिक्चर देखी थी पिंटरेस्ट पे बहुत समय पहले. तो होता है ना कुछ आप देख लो और वो आपके दिमाग में ना फोटोज बैठ जाती हैं. वो एम्ब्रॉयडरी किया हुआ कपड़ा था, लेकिन ये जब मैंने देखा तो मुझे वही सूट याद आया, तो वो मेरे दिमाग में छपा हुआ था. सो मैं वो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जब बनेगा तो आपको दिखाऊंगी. ये तो ना मुझे कलर ही बहुत खूबसूरत लगा, मतलब बहुत ही ज्यादा पसंद आया. तो इसका भी मैं सिंपल स्ट्रेट फिट बेल स्लीव्स का कुर्ता, इसमें मैं बोट नेक रखूंगी एंड इसके नीचे मैं चूड़ीदार रखूंगी. मुझे संभाव ना चूड़ीदार बहुत ज्यादा पसंद है. एंड चूड़ीदार जब आप बनवाओ ना, तो मेरी मम्मी मुझे हमेशा बोलती थी कि बेटा चूड़ीदार थैले वाली बनवाना. अब थैले वाली चूड़ीदार का मतलब, एक बहुत लोग अलग अलग तरीके की चूड़ीदार बनवाते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो आपको नीचे से चूड़ियाँ भी मिलती हैं और फिटिंग भी जो आपके ऊपर बिल्कुल सही बैठती है, जब आप कॉटन के कपड़े की या सिल्क के कपड़े की चूड़ीदार स्टिच करवाते हो, इज द थैले वाली. तो उसमें क्या होता है, वो कपड़े को आड़ा रख के दे स्टिच इट एंड दे मेक अ बैग आउट ऑफ इट. और उसको ना फिर ऐसे 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 करके उसको एक स्ट्रेट बॉक्स बनाते हैं और उसमें से चूड़ीदार की कटिंग होती है. तो जब कभी आप आयरन करते वक्त अगर कपड़ा देखेंगे ना, तो वो हल्की सी ऐसे कर्व्ड बनती है नेचुरली. तो इसीलिए अगर आप उठोगे बैठोगे तो वो फटती नहीं है. नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, अगर फिटिंग की चूड़ीदार बने तो हमारे काफ एरिया से या थाई एरिया से कभी कभी वो फट जाती है, या फिटिंग प्रॉपर नहीं आती है, आपको काफ से टाइट हो रही है, नीचे से ढीली हो रही है, ये सारी चीज़ें वो थैले वाला जो सिस्टम होता है ना उसमें नहीं होती. सो फॉर्चुनेटली फॉर मी, जमील भाई एंड शफीक भाई दोनों उसी पैटर्न की पहले से ही बनाते हैं. सो आपके जो भी टेलर्स हैं, जो भी मास्टर जी है, उनको बोलिए कि वैसी ही बनाने के लिए. सो चलिए अब मैं बताती हूँ कि ये तो बहुत सिंपल है, मैं फिर भी ड्रॉइंग तो करूँगी क्योंकि मुझे भेजनी है. मैंने पेपर कहाँ घुमा दिए. इसका हम बनाएंगे बोट नेक, पतले से शोल्डर्स, ये हो गया हमारा आर्म होल, फुल लेंथ का कुर्ता. और इसके नीचे तो हमारे ऑलरेडी कटवर्क है, स्कैलप्स हैं, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. और ये हो गए हमारे फुल लेंथ के बेल स्लीव्स. ये बेल कुछ ज़्यादा हो गया, सॉरी, प्लीज़ इग्नोर दिस. और इसके साथ हम बनाएंगे चूड़ीदार. और इसके दुपट्टे में ना, सो इस कपड़े में सबसे अच्छी बात ये है कि इधर तो एंड है, मतलब इट्स अ प्रॉपर एज. देखा जाए तो ये लहंगे के लिए या एज अ साड़ी ड्रेप करने के लिए इट्स अ रेडी क्लॉथ. आप साड़ी के लिए तो रेडी है, आप सिर्फ फॉल पीको करा लो, या आजकल तो कई लोग फॉल पीको के बिना भी पहनते हैं, एंड जस्ट एक अच्छा सा ब्लाउज बनाओ एंड जस्ट ड्रेप इट. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो द थिंग इज, इसमें दोनों तरफ बॉर्डर है, तो मैं क्या करवाने वाली हूँ, जमील भाई को बोलने वाली हूँ ये बॉर्डर जो है ना ये कट कर लेना. तो ये हम यूज करेंगे हमारे दुपट्टे पे. दुपट्टे का जो विड्थ होगा ना दोनों तरफ का, वहां पे ये बॉर्डर आसानी से आ जाएगा एंड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा. सो इट विल बिकम अ कम्प्लीट सेट, तो वो बहुत अच्छा लगेगा. सो इसलिए मैं याद रख पाऊँ, इसलिए मैं यहाँ पे भी ये बना लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे. सो दैट्स इट. ये कपड़ा ही इतना कमाल है, इसलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. ये फैब्रिक मैंने लिया है टॉप के लिए 3 मीटर, अगेन बिकॉज आई वॉन्ट बेल स्लीव्स. और बॉटम के लिए मैंने लिया है 5 मीटर, सो 2.5 मीटर फॉर द टॉप का लाइनिंग एंड 2.5 मीटर फॉर द चूड़ीदार. ये कपड़ा मैंने जैसे ही रखा हुआ देखा ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का कपड़ा है, ये मुझे डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. So, ये बहुत खूबसूरत है. सबसे पहले आप ये कपड़ा देखें, इट्स सो प्रिटी, एलिगेंट, इतना क्लासी, बहुत 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 खूबसूरत है. सो ये कपड़ा मैंने लिया है 3 मीटर्स, क्योंकि ये मुझे कुर्ते के लिए सिर्फ 2.5 मीटर लगेगा. मुझे स्ट्रेट फिट फुल स्लीव्स बनवानी है, लेकिन मैंने आधा मीटर एक्स्ट्रा लिया है. क्यों, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी.
और ये इसकी लाइनिंग का कपड़ा है, ये मैंने लिया है 4.5 meters, तो ये कुर्ते की लाइनिंग प्लस चूड़ीदार। अब इसका मैं आपको डिजाइन बताती हूँ। एंड ये इसका क्रीम कलर का दुपट्टा है, ये मैंने लिया है 2.5 meters। सो इसमें भी मैं बोटनेक ही रखूंगी। सो ये हो गया हमारा बोटनेक। अगेन पोटली बटन्स, पता नहीं मुझे पोटली बटन्स फॉर सम रीजन बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये हो गए हमारे फुल स्लीव्स। और ये डाल रही हूं क्योंकि ये जो एजिंग है स्लीव्स के, मतलब ये स्लीव्स पे आएंगी। अगर कटिंग में नहीं आ पाई तो मैं स्पेशली जमील भाई को बोलूंगी कि इसी थ्रेड से हमें फिनिशिंग चाहिए। सो ये हो गया हमारा फुल लेंथ का कुर्ता, और इधर भी वो एजिंग यही होगी। ऑब्वियसली कुर्ते का जो एंड है वो हम यही लेंगे। एंड इसके साथ हम बनाएंगे नॉर्मल चूड़ीदार, और जो इसका दुपट्टा है, सो ये मैंने 2.5 meters का दुपट्टा लिया है। सबसे पहले तो इसकी जो एजिंग है चारों तरफ से, जैसे मैंने ग्रीन वाले में मैंने आपको बोला और मैंने ड्रॉ भी किया, मैं एग्जैक्टली वैसा ही करवाऊंगी। सो दिस ग्रीन कलर का थ्रेड और इस पे स्कैलप्स करके हम लोग जो है मशीन एम्ब्रॉयडरी से करेंगे। एंड जो 1/2 meter मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, सो 1/2 meter इज अंदाजन इतना, ठीक है। सो आप सोचिए इतने पैच में कितने सारे फ्लावर्स हैं। तो मैंने क्या सोचा है कि ये जो फ्लावर्स है ना, इनको मैं कट करके इस दुपट्टे पे दूर दूर प्लेस कर दूंगी, या मैं मे बी एज पे बड़े बड़े फ्लावर्स डाल के सेंटर में ये छोटे छोटे जो बर्ड्स हैं वो मैं लगवा दूंगी। तो जब वो बनेगा पूरा सूट, तो योर दुपट्टा विल ऑल्सो हैव अ सिमिलर वर्क ऑफ वॉट इज देयर ऑन योर कुर्ता। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस आउटफिट, एक्चुअली फॉर ऑल, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं पहना है। सो ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाले हैं, एंड बहुत स्पेशली ये दो, मैंने ये ग्रीन और ये जो इस तरीके के लेस वर्क के सूट्स मैंने कभी नहीं बनवाए। सो यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। सो हो गए मेरे चारों ड्रेस डिज़ाइन, और ये जब बन के आएंगे तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। तब तक बताइएगा कैसा लगा डिजाइनिंग, है ना। तब मैं चेक करती हूँ मेरा खाना बना या नहीं, खाती हूँ। सो ये है मेरी करेले की सूखी सब्जी, ज्वार की रोटी और चाय। मुझे करेले की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है और जेन्युइनली पसंद है। यू नो मेरा ना एक बार एक सीन था, एंड उसमें मुझे करेले की सब्जी खानी थी, तो सब लोग बहुत टेंशन में थे कि अरे यार दीपिका को हमें मनाना पड़ेगा, वो कड़वी होती है तो लोग खुशी से खाते नहीं है। मतलब मुझे तो बहुत पसंद है। और वो कोई स्पॉट दादा अपनी वाइफ से बनवा के लाए थे, और वो इतने अमेजिंग भरे हुए करेले थे। ये वाला ना मानसी दीदी बहुत अच्छा बनाती हैं। वो पहले करेले को ड्राई भूनती हैं, उसके बाद प्याज लाल करके उसमें ये डालती हैं। मुझे नहीं पता एग्जैक्ट रेसिपी क्या है, लेकिन वो जैसे भी बनाती हैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनाती हैं। तो अभी मैं खा रही हूँ अपना खाना, विच इज दिस, और ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, क्योंकि अभी रोजाना कुछ ना कुछ हो रहा है। तो कभी क्या होता है ना, मैं निकलती हूँ, इतना सारा काम होता है कि मैं शूट नहीं कर पाती, लेकिन कुछ ना कुछ करके आपको हर चीज के लिए अपडेटेड जरूर रखा जाएगा। एंड हाँ, लॉरियल पेरिस का हाइलुरॉन रेंज जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जो मैंने आपको बताया, जो मैंने यूज किया, उसे अपने नाइट रेजिम में ऐड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज इट डज वंडर्स टू योर हेयर। एंड इतना ज्यादा मॉइस्चर जब हमारी स्किन के लिए फायदा होता है, तो हमारे हेयर के लिए तो होता ही है। वन ऑफ इट्स काइंड किट है जो अभी अभी लॉन्च हुआ है। सो जल्दी से उसे ऑर्डर कीजिए और अपने नाइट रेजिम का उसे जरूर हिस्सा बना लीजिए।